उत्तराखंड में G20 समिट होने जा रही है और इसी के चलते मुख्यमंत्री ने जिस तरह से खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उत्तराखंड की सरकार के प्रदर्शन कर नगर में युवा जन आक्रोश महारैली निकालते हुए अपना रोष व्यक्त किया। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप, मैं हूं कैलाश बिष्ट और उत्तराखंड परिक्रमा में आपका स्वागत है। उत्तराखंड परिक्रमा में हम आपको पूरे प्रदेश की उन खबरों से रूबरू कराते हैं जिनसे आप अनभिज्ञ रहते हैं। और आज उत्तराखंड परिक्रमा में सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। उत्तराखंड में G20 समिट होने जा रही है और इसी के चलते मुख्यमंत्री ने G20 समिट की कई बातों का उन्होंने आज समीक्षा उन्होंने की, उन्होंने जायजा भी लिया। इसके चलते उत्तराखंड में होने वाली बैठकों के जिस विभाग को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है संबंधित विभागीय सचिव उसकी नियमित समीक्षा करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। उत्तराखंड में होने वाली G20 की बैठकों की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री प्रत्येक 15 दिन में स्वयं समीक्षा करेंगे। ये बात मुख्यमंत्री ने सचिवालय में G20 समिट की तैयारियों की बैठक के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन से उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर नई पहचान मिलेगी। G20 देशों के प्रतिनिधि ऋषिकेश में गंगा आरती में भी प्रतिभाग करेंगे। इससे माँ गंगा के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व से भी सम्मेलन के प्रतिभागी परिचित हो सकेंगे। और अब रुख करते हैं हरिद्वार का, जहां पर एक बॉडी बिल्डर की नाराजगी सरकार के प्रति सामने आई है। उसने साफ तौर पर कहा है कि इंडोनेशिया में उसने देश का प्रतिनिधित्व किया, प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, उसके बावजूद उसे गोल्ड मेडल मिला, लेकिन जब वो अपने वतन और प्रदेश लौट कर आया तो उसको किसी तरह का कोई सम्मान नहीं मिला। उसका साफ तौर पर यह आरोप था कि जो सम्मान खिलाड़ियों को मिलना चाहिए वो सम्मान खिलाड़ियों को नहीं मिला, और अगर ऐसा होता है तो खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है, लिहाजा खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने पर कई राज्यों में खिलाड़ियों को अच्छी प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे आगे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सके। उत्तराखंड सरकार भी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उत्तराखंड की सरकार खिलाड़ियों को नहीं दे रही। यही दर्द थाईलैंड से बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल जीत कर लौटे हरिद्वार के कपिल गुजर ने बयां किया और सरकार से मांग की है कि खिलाड़ियों को अन्य राज्यों की तरह सरकार प्रोत्साहित करे। थोड़े से मेरे लिए निंदनीय बात है कि जिस तरह बाहर के राज्यों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया है, और मेरे साथ के भी जो एथलीट्स में गए थे चैंपियनशिप में, जो गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, उनको बहुत अच्छे से उनके राज्य सरकार ने बहुत अच्छे मोटिवेशन खुद देते हुए उनको बड़े अच्छे से सम्मानित किया है, और जिससे कि वो आगे भी अपने देश के लिए और अपने राज्य के लिए गोल्ड मेडल या इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और अच्छा नाम देश का नाम रोशन कर सकें। और हमारा क्या है कि मैं अभी रिसेंटली 6 महीने पहले एशिया में भी सिल्वर मेडल लेकर आया था, उसके बाद भी मेरे को बहुत उम्मीद थी कि उत्तराखंड सरकार से कि मेरे को कुछ प्रोत्साहित मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाएगा और मुझको मोटिवेशन इस तरह और राज्यों में प्लेयर को दिया है तो मेरे को भी पूछा जाएगा, लेकिन उसके बाद मेरे को इतना टाइम नहीं था। मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप सर पे खड़ी हुई थी और वो 4 महीने बाद थी, तो मैंने और चीज़ों पे गौर ना करते हुए मैंने अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी करनी शुरू करी, जो कि मैं दिन रात मेहनत करता रहा। और 4 महीने बाद जब मैंने उस वर्ल्ड में राज्य का नहीं पूरे देश में इंडिया का लगी पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन किया और मुझको जब तिरंगा लहराया मैंने अपने देश के नाम का, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ, जिससे भविष्य में उत्तराखंड के साथ ही भारत का नाम भी खिलाड़ी रोशन कर सके। थाईलैंड से गोल्ड मेडल जीत कर लौटे हरिद्वार के कपिल गुज्जर का कहना है कि ये उनके लिए निंदनीय बात है कि अन्य राज्यों के जो खिलाड़ी विदेशों में अच्छा प्रदर्शन करके आए उनको प्रोत्साहित और सम्मानित किया गया, जिससे आगे भी अपने राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। उनका कहना है कि कुछ वक्त पूर्व उन्होंने एशिया में बॉडी बिल्डिंग में सिल्वर मेडल जीता, उन्हें उम्मीद थी कि उत्तराखंड सरकार उन्हें प्रोत्साहित करेगी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया। उनके द्वारा थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नहीं भारत का नाम रोशन किया गया, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सभी नेताओं से मांग की है कि उत्तराखंड के किसी भी खिलाड़ी का मनोबल न तोड़े, खिलाड़ियों को उनका हक मिलना चाहिए जिस तरह से अन्य राज्यों में खिलाड़ियों को उनका हक मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। रुख रामनगर का, जहां पर पेपर लीक के विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया। रैली में तमाम लोग मौजूद रहे। लोगों का साफ तौर पर यह कहना था कि पेपर लीक होने से जहां एक ओर अभ्यर्थियों को काफ़ी दिक्कतें होती है, वहीं उनके अभिभावकों को भी दिक्कत होती है, और इस तरह के पेपर लीक पर लगातार रोक लगनी चाहिए। रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में हजारों युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन कर नगर में युवा जन आक्रोश महारैली निकालते हुए अपना रोष व्यक्त किया।
पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि हाल ही में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से सरकार पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई परीक्षाएं संपन्न हुई, इनमें भी घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेपर लीक को लेकर माफियाओं का गठजोड़ बढ़ गया, लेकिन सरकार इन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो वहीं पेपर लीक होने के बाद से प्रदेश भर के हजारों युवा जहां एक ओर बेरोजगार हो गए, तो वहीं अब ये बेरोजगार पलायन करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व साल 2015 दरोगा भर्ती में घोटाला सामने आया, जिसमें दरोगाओं को निलंबित करने की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की ऐसी स्थिति हो गई कि पैसा लाओ नौकरी पाओ। उन्होंने आगे कहा कि इस रैली के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है। सभी मामलों की CBI जांच सरकार को करानी चाहिए, और ऐसा नहीं होता तो पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। एसएससी में जो पेपर हुए थे उसमें बीबीडी के भर्ती में लगातार पेपर लीक हुआ और उसमें लगभग 45 लोग जेल चले गए और जेल से छूट के भी आ गए। और 6 महीने के बाद फिर से जब पटवारी और लेखपाल की भर्ती लोक सेवा आयोग करवाती है और उसका पेपर 4 दिन बाद लेक हुआ जाना पाया जाता है, जिसको लेकर उत्तराखंड के युवाओं में आक्रोश है। जो युवा पढ़ लिख कर गरीब परिवार से पढ़ लिख कर जो युवा यहाँ से देहरादून पेपर देने के लिए जाता है और पेपर देने के बाद उसे पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया है, इसको लेकर आज का युवा अपने आप को ढगासा महसूस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। रुख एक बार फिर से हरिद्वार का। हरिद्वार नगर निगम बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन हंगामे के साथ कई महत्वपूर्ण फैसले भी इस बोर्ड बैठक में लिए गए। मुख्य नगर आयुक्त ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया कि कुछ प्राइवेट कंपनियां नगर निगम में काम कर रही हैं, उनको आगे भी कार्य करने का मौका दिया जाएगा। नगर निगम की शर्तों पर उनको कार्य करना होगा। इसके साथ ही मॉनसून सीजन से पहले हरिद्वार के तमाम नालों की सफाई सुचारू रूप से की जा सके, साथ ही नगर निगम के द्वारा जो निर्माण के कार्य किए जाने हैं उनको जल्द शुरू किया जा सके, इसको लेकर निर्णय बोर्ड बैठक में लिए गए। जो नाले मानसून आएगा तो मानसून से पहले नाले को साफ किया जाए, तो उसके लिए निर्णय लिया गया कि नालों को निर्माण करेंगे। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, और आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश के हर जिले में जिलाधिकारियों द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों को शपथ दिलाई गई। जो शपथ दिलाई गई उसमें बताया गया कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र पर अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे और स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ये शपथ दिलाई गई। इस साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस उत्सव का विषय वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम रखा गया है। और अब बात करते हैं टिहरी की, जहां पर एक क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया, जिसमें कई बच्चों ने प्रतिभाग किया। सुबह 10 बजे डाइजर चेक से कलेक्ट्रेट परिसर नई टिहरी तक बालिका वर्ग, जूनियर वर्ग, सीनियर वर्ग, जिसमें अधिकारी कर्मचारी वर्ग की क्रॉस कंट्री रेस आयोजित की गई। क्रॉस कंट्री दौड़ में बालिका वर्ग में कई स्कूल के बच्चों ने शिरकत की और इसमें कई लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा, जो सम्मान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दिया जाएगा। और अब रुक करते हैं नैनीताल का, जहां पर जिलाधिकारी धीरज गबरियाल ने रामगढ़ पहुंचकर सेब के बगीचे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने काश्तकारों से मुलाकात भी की और सेब की फसल को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए इसको लेकर उन्होंने काश्तकारों से बातचीत भी की। आजकल हम लोगों ने इनको कलासन नर्सरी, खासकर जिनके साथ हमारा MOU है, तो ये साल में 3-4 बार हमारे जनपद में आते हैं और जितने भी फार्म्स हमारे डेवलप हुए हैं उनमें ये लोग विजिट करते हैं और किसानों को टिप्स वगैरह देते हैं। तो अभी आज इस फार्म में लगभग 60-70 हमारे किसान बंधु हैं जिनको हम लोगों ने लास्ट ईयर योजना का लाभ दिया था, तो उनकी एक ट्रेनिंग भी हो रही है यहाँ पे। रुक करते हैं अल्मोड़ा का, जहाँ पर नगरखान विद्यालय में कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। आग लगाने से वहाँ पर रखा सामान जलकर खाक हो गया, जिसकी शिकायत पटवारी से की गई है और जल्द ही उन लोगों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। स्कूल शिक्षा का पवित्र मंदिर माना जाता है, जहां देश के भविष्य का निर्माण होता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहाल कभी सरकार व सिस्टम की उपेक्षा का शिकार होते हैं तो कभी अराजक तत्व उनकी पढ़ाई में बाधा बनते हैं, जिससे न सिर्फ बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है बल्कि अभिभावकों को भी डर और चिंता सताने लगती है। ताज़ा मामला अल्मोड़ा जिले की बैसिया छाना विकास खंड का है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नगरखान लंबे समय से अराजक तत्वों का अड्डा बना है। कार्रवाई नहीं होने से शरारती तत्वों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि स्कूल में आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे डाला।
अज्ञात लोगों द्वारा रात में स्कूल के मुख्य भवन से लगे अतिरिक्त कक्ष में आग लगा दी गई, जिससे कक्ष में रखा फर्नीचर, मिड डे मील बनाने के लिए रखी गई जलावनी, लकड़ी व अन्य सामान जलकर खाक हो गया। यही नहीं, कक्ष का दरवाजा और खिड़कियां भी पूरी तरह आग में जल गए। स्कूल का मुख्य भवन आग की चपेट में आने से बच गया, जिससे बड़ी घटना होने से टल गई। आग लगने से अतिरिक्त भवन के छत पर लगे टिन व भवन के पत्थर खतरनाक स्थिति में लटक गए, जो स्कूल के बच्चों के लिए खतरा बने हुए हैं। सुबह जब शिक्षक और बच्चे स्कूल पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सभी का होश उड़ गए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नगरखान की प्रभारी प्रधानाध्यापिका ने आनन फानन में इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी। उन्होंने बताया कि स्कूल में आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले अराजक तत्वों पर कार्रवाई को लेकर राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र नाकोट में तहरीर दे दी गई है। नगरखान में पहले भी कई बार तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। स्कूल की प्रभारी प्रधानाध्यापिका ने बताया कि पहले में अराजक तत्वों द्वारा स्कूल भवन की खिड़कियां व गेट को तोड़ दिया गया था। इतना ही नहीं, कई बार स्कूल परिसर में शराब की बोतल और सिगरेट जैसी आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। उन्होंने कहा कि स्कूल स्टाफ की ओर से तब राजस्व पटवारी क्षेत्र में व संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई, लेकिन अराजक तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे शरारती तत्वों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से शरारती तत्वों को पकड़कर सजा दिलाने की मांग की है। हिमांशु लटवाल, क्राइम पेट्रोल, अल्मोड़ा। और अब बात करते हैं चमोली के डीएम हिमांशु खुराना की, जिन्होंने जोशीमठ पहुंचकर वहां पर बन रहे फैब्रिकेटेड शेल्टर्स निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने साफ तौर पर निर्माणदायी एजेंसियों को कहा कि जल्द ही इन फैब्रिकेटेड शेल्टर्स का निर्माण कर दिया जाए, ताकि जो लोग ठंड में रह रहे हैं या फिर जो लोग अलग रह रहे हैं, उन लोगों को जल्द ही इन फैब्रिकेटेड शेल्टर्स में शिफ्ट किया जा सके, ताकि उन लोगों को ठंड से बचाया जा सके। जो हट्स बन रही हैं मॉडल पे फैब्रिकेटेड हट्स हॉर्टिकल्चर विभाग की लैंड पर, तो उसका हम निरीक्षण करने पहुँचे और उसमें कार्यदायी संस्था को और जो वर्किंग एजेंसी है उनको तेज़ी लाने के निर्देश दिए। साथ ही साथ जो ढाक में भी प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज बनने हैं अलग अलग कैटेगरीज के, उसमें भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में काम को कम्प्लीट किया जाए, इस संबंध में निर्देश दिए गए। तो उत्तराखंड परिक्रमा में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और उत्तराखंड परिक्रमा आपको कैसे लगी, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और हमें अपने सुझाव जरूर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे उत्तराखंड परिक्रमा में कुछ अन्य खबरों के साथ। आप मुझे और मेरे सहयोगी अफजाल अहमद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।